सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और इसके बाद लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं, घंटे को भी दबाएं ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद आप हमें कमेंट करना ना भूलें। इस तरह से आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह का फुल बाजू सूट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, इसमें हम फुल बाजू का सूट और सलवार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। तो अब हम यहाँ पर सूट की लंबाई नापेंगे। सूट की लंबाई लेनी है 26 इंच और 1 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो 27 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर हमारे 2.5 इंच है और आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हम आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हमें 6 इंच लेनी है, तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से आर्मोल की गोलाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 13 इंच है, तो 13 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम एक निशान कमर के लिए लगाएंगे 6 इंच पर और हिप के लिए लगाएंगे 11 इंच पर। तो इस तरह से दोनों निशान को यहाँ पर सीधा करेंगे। फिर हम कमर नापेंगे। कमर हमारी है 12 इंच, तो 12 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप की चौड़ाई भी हमारी 13 इंच है, तो 13 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए तीनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। और जो हमारा नीचे का घेर है वो हम 14 इंच लेंगे, तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर लाइन खींचेंगे। और साइड में भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की कटिंग करेंगे। जहाँ पर दोस्तों निशान लगे हैं वहीं पर हमें सूट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें कट लगा देना है, यहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग रहेगी। और यहाँ पर हमें बी सेंटर पर कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से बिछा लेना है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने पल्ले को अच्छे से रख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम निशान लगा लेंगे। आगे वाले पल्ले के ही नाप से हमें सेम निशान लगा लेना है। फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और जो हमारा नीचे वाला पल्ला है उसकी हम कटिंग करेंगे।
यहाँ पर भी हमें 20 सेंटर पर एक कट लगा देना है। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग रख लेते हैं और जो हमारा आगे वाला पल्ला है उसको लेंगे और उसको इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे। फिर हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 13 इंच है तो 13 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर की चौड़ाई हमारी 12 इंच है तो 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। और हिप की चौड़ाई भी हमने 13 इंच ली है तो 13 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। जो हमने पल्ले कटिंग किए थे उसके नीचे वाला जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो वो इस तरह से कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे। फिर हम यहाँ पर फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेना है क्योंकि नीचे से हम बाद में कटिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई हमारी 14 इंच है और 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे तो 14.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर हम बाजू की चौड़ाई नापेंगे। बाजू की चौड़ाई हमें 6 इंच लेनी है और यहीं से बाजू की गुलाई करेंगे। फिर हम बाजू की मोरी नापेंगे। बाजू की मोरी हमारी 8 इंच है तो 8 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर हमें 1 या 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी कटिंग करेंगे और एक कट हम 20 सेंटर पर लगा देंगे। एक कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच रहेगा। तो इस तरह से हमने फुल बाजू की सूट की कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से ये देखिए हमारे दोनों पल्ले की कटिंग हो गई है। और देखिए इतना हमारा कपड़ा बच गया है, इससे हम क्या करेंगे, सलवार बनाएंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।